हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं जागरण हाई टेक। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के नए सब 20,000 रुपए के स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है वीवो Z1 Pro या फिर वीवो Z1 Pro। नाम में क्या रखा है, बात सारी ये है कि क्या ये फ़ोन कमाल का है भी या नहीं, ये हम बताएंगे इस वीडियो में। पर इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। काफ़ी टॉल स्मार्टफोन है, काफ़ी वाइड स्मार्टफोन भी है, काफ़ी हैवियर साइड ऑफ थिंग्स पे भी है ये स्मार्टफोन। काफ़ी डेंस एक्सपीरियंस देता है, एक फ्लैगशिप फ़ोन की तरह एक्सपीरियंस देता है ये स्मार्टफोन आपको। सामने की ओर अगर आप देखें तो एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक पंच होल कैमरा भी देखने को मिलता है स्मार्टफोन पे, जो कि टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में है, जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर राइट हैंड फ़ोन यूज़र्स फ़ोन को ऐसे रोटेट करते हैं और वो जो पंच होल डिज़ाइन है वो इतना इंट्रूड नहीं करता। पीछे से अगर बात करें तो काफ़ी ग्रेडिएंट डिज़ाइन देखने को मिलता है, लाइट भी बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट करती है, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन ऑफर करता है वीवो Z1 Pro या Z1 Pro। और साथ ही साथ देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल जो कि वर्टिकली अलाइंड है और बीच में एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। वीवो की ब्रांडिंग दी गई है बॉटम पे। और इसके अगर पोर्ट्स की बात करें तो एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है, एक स्पीकर देखने को मिलता है, एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ इस फोन में 3.5 mm ऑडियो जैक भी ऑफर करता है वीवो। सो ओवरऑल डिज़ाइन की अगर बात करें तो काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन है, थिन बेजल वाला है ये स्मार्टफोन और काफ़ी प्रीमियम लुक एंड फील भी देता है। तो अगर आप इस फोन को पहली नज़र में देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा धोखा लग जाए और आप सोचें कि ये 30,000 से ऊपर का फ़ोन होगा, पर वाकई में ही ये 20,000 से नीचे का स्मार्टफोन है। तो ये कहना सेफ रहेगा कि काफ़ी सारी टेक कंपनीज जो हैं आजकल काफ़ी प्रीमियम स्मार्टफोन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन ऑफर कर रही हैं सब 20,000 रुपये में, और उसमें से एक फ़ोन जो है अभी मार्केट में जो आ चुका है वो है वीवो का Z1 Pro। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। जैसा हमने आपको बताया कि इसमें एक पंच होल डिस्प्ले डिज़ाइन देखने को मिलता है, एक 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले ऑफर करता है वीवो Z1 Pro में यहाँ पर। और व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है इस डिस्प्ले की, और अगर हम बात करें सनलाइट लेजिबिलिटी की तो वो भी काफ़ी बेहतरीन दी गई है वीवो Z1 Pro में। इनफैक्ट इस पे वीडियो स्ट्रीमिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है, इवन ऑडियो क्वालिटी जो है काफ़ी बेहतरीन है इस स्मार्टफोन की। तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में अगर बात करें, अगर टच स्क्रीन एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो वीवो Z1 Pro में कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली। आइए बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग पावर की। वीवो Z1 Pro में पहला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 सिस्टम ऑन चिप देखने को मिलता है और साथ ही साथ मिलता है आपको एड्रीनो 616 का GPU भी। यस, ये काफ़ी परफॉर्मेंस लोडेड स्मार्टफोन है और दो रैम वेरिएंट में आता है, 4GB रैम ऑफर की जाती है इसमें और साथ ही साथ एक 6GB रैम वेरिएंट भी ऑप्शन में आता है इस स्मार्टफोन के साथ। 6GB रैम के साथ दो स्टोरेज ऑप्शन मिलती हैं, 64GB की और 128GB की, और 4GB रैम के साथ आपको सिर्फ 64GB की स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलती है वीवो Z1 Pro में। तो रैम के मामले में, रैम मैनेजमेंट के मामले में या प्रोसेसिंग के मामले में भी ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन है। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो हमें मल्टीटास्किंग में या फिर डे टू डे यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई वीवो के Z1 Pro के साथ, और जो गेमिंग लवर्स हैं और जो स्पेशली पबजी खेलना पसंद करते हैं उनके लिए स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इनफैक्ट जो अभी पबजी का एक ओपन क्लब चैलेंज भी हुआ था उसका भी ऑफिशियल फोन था वीवो Z1 Pro, और इस फोन में आपको पबजी खेलने में काफ़ी मजा आएगा। स्पेशली नॉच नहीं है स्मार्टफोन में, एक इन डिस्प्ले कैमरा दिया गया है तो काफ़ी रियल इस्टेट स्पेस मिलता है आपको पबजी खेलने के लिए और अपने दुश्मनों को जानने के लिए इसके डिस्प्ले पे। ओवरऑल अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो डेफिनेटली पबजी लवर्स के लिए या स्पेशली किसी भी गेमिंग लवर के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन है। तो परफॉर्मेंस के मामले में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई वीवो Z1 Pro के साथ। साथ ही साथ एंड्रॉयड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है और वीवो का अपना भी ब्लोटवेयर है इस पे, बट वो काफ़ी इंट्यूटिव ब्लोटवेयर है। बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वीवो Z1 Pro में आपको देखने को मिलती है एक 5000 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है और साथ ही साथ बॉक्स के अंदर ही आपको एक 18 वॉट का चार्जर भी देता है वीवो Z1 Pro के साथ। अगर बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की तो एक से डेढ़ दिन आराम से लास्ट कर जाता है अगर आप हैवी गेमर हैं। हमने इस पर काफ़ी पबजी खेली और एवरीडे खेली तो एक दिन या कभी कभार डेढ़ दिन भी ये फ़ोन आराम से लास्ट कर जाता था, और अगर आप इतनी गेमिंग नहीं करते हैं फ़ोन पे तो ये फ़ोन दो दिन भी लास्ट करने की क्षमता रखता है। चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट होती है इस फ़ोन में, तो बैटरी वाइज भी काफ़ी पोटेंट स्मार्टफोन है अंडर 20,000 रुपीज़ वीवो Z1 Pro।
चलिए बात करते हैं अब कैमरास की। Vivo Z1 Pro में 3 कैमरा सेंसर्स देखने को मिलते हैं। आज की डेट में काफ़ी कॉमन हो चुका है ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल। Vivo Z1 Pro में अगर नहीं होता तो हमें शायद शौक होता, पर इसमें और जाहिर सी बात है कि एक 3 कैमरा सेटअप दिया है Vivo ने। 3 कैमरा सेंसर्स इसमें जो दिए गए हैं, एक 16 मेगापिक्सल का, एक 8 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का है। पोर्ट्रेट इमेजिंग बहुत अच्छी खींचता है, वीडियो क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, इवन नाइट लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी शार्प इमेजेस आती हैं। थोड़ा सा आपको स्टिल खड़ा होना पड़ता है इमेज खींचने के दौरान, बट डिटेलिंग काफ़ी बेहतरीन आती है। बुके इफेक्ट भी काफ़ी बेहतरीन है ऑन द Vivo Z1 Pro, और ओवरऑल इमेजिंग की अगर बात की जाए तो हम काफ़ी संतुष्ट रहे Z1 Pro के रियर कैमरा परफॉर्मेंस से। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो Z1 Pro में Vivo के बाकी सारे स्मार्टफोन्स की तरह एक बहुत ही बड़े सेंसर वाला और बहुत ही बड़े मेगापिक्सल काउंट वाला फ्रंट कैमरा ऑफर किया गया है। इसमें आपको मिलता है एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि एक इन डिस्प्ले कैमरा है, पोर्ट्रेट सेल्फीज खींचने की क्षमता रखता है, ब्यूटी मोड्स दिए गए हैं, AR स्टिकर्स दिया गया है, सारी चीज़ें जो एक सेल्फी लवर को चाहिए होती हैं वो इस स्मार्टफोन में पैक की गई हैं। काफ़ी इमेजेस ब्राइट आती हैं, क्लीन क्रिस्प आती हैं, नेचुरल से थोड़ी सी हटके लगती हैं, बट आई थिंक सेल्फी का सारा गेम ही ये है कि आप नेचुरल इमेज से थोड़ा हटके दिखें, तो वो सारी चीज़ें जो है Vivo ऑफर करता है Z1 Pro के साथ। तो कैमरा वाइज भी ये फ़ोन काफ़ी पोटेंट स्मार्टफोन है। अगर बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, जो Qualcomm Snapdragon 712 प्रोसेसर दिया गया है गेमिंग के लिए, वो स्पेशली आपको एक 78% इम्प्रूव्ड एंटी फ्रेम रेट ड्रॉप ऑफर करता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप हायर सेटिंग्स पे कोई भी गेम खेलते हैं तो वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप्स होने की काफ़ी संभावना रहती है। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला हमें Vivo के Z1 Pro के साथ। साथ ही साथ इसमें एक AI टर्बो भी दिया गया है जिसमें 20% की इंप्रूवमेंट है ओवर कॉमनली यूज एप्लीकेशंस, और नेट टर्बो भी ऑफर करता है कुछ Vivo, जो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शंस काफ़ी एनहांस करता है स्मार्टफोन में। तो यस, नेटवर्क वाइज भी हमें कोई ऐसे दिक्कत देखने को नहीं मिली इस स्मार्टफोन के साथ। बात करें अगर गेम परफॉर्मेंस की, तो ज़्यादातर अगर बहुत लंबी देर तक आप गेम खेलते हैं स्मार्टफोन पे तो ज़्यादातर फ़ोन जो है हीट अप हो जाते हैं। इसमें कूलिंग टर्बो ऑप्शन भी दिया गया है जो कि बैटरी टेम्परेचर या प्रोसेसर टेम्परेचर को थोड़ा सा कूल डाउन करता है ताकि आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल सके। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में Z1 Pro टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस एंड ये एक काफ़ी बेहतरीन गेमिंग स्मार्टफोन है अंडर 20,000 रुपीज़। तो ओवरऑल हम क्या सोचते हैं Vivo Z1 Pro के लिए? अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, स्पेशली गेमर्स एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कि किफ़ायती भी हो और साथ ही साथ आपको परफॉर्मेंस भी दे, डे टू डे भी अच्छा चले, बैटरी परफॉर्मेंस भी अच्छा हो और साथ ही साथ अच्छे डिसेंट कैमराज भी हो सोशल मीडिया अपलोड्स के लिए, तो Vivo Z1 Pro को नज़रअंदाज करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हमारे लिए तो यहाँ पे हुआ, एटलीस्ट हमें काफ़ी पसंद आया ये फ़ोन एंड ओवरऑल हम इस फ़ोन को देते हैं एक बिग थम्स अप ऑन जागरण हाईटेक। तो बताइए हमें कैसा लगा आपको हमारा Vivo Z1 Pro का रिव्यू, हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक करना ना भूलें और अपने गेमर फ्रेंड्स के साथ जो कि स्पेशली मोबाइल गेमिंग करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।